सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूणा एसकेएम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी में संज्ञा टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा पाठ तीन है ना, नीम का पेड़, उसका जो व्याकरण भाग है उसको हम करेंगे। तो इसमें हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा कहती किसी है, यानी जितने भी नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है। जैसे दो आपकी क्लास में दो बच्चों के नाम सुनील है, अध्यापक ने कहा कि सुनील तुम खड़े हो जाओ और पाठ को पढ़ो। तो अब सुनील, दोनों सुनील को, दो सुनील के नाम, दो बच्चे हैं सुनील नाम के, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन से सुनील को कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा होता कि क्लास के अंदर सभी बच्चों का नाम सुनील होता, इट मीन्स अध्यापक का नाम भी सुनील होता और बाइक का नाम भी सुनील होता, कार का नाम भी सुनील होता, तो यानी सारी चीज़ों के नाम सेम होते तो हमें समझ में नहीं आता कि किसको कहा जा रहा है, क्या, कुछ भी समझ में नहीं आता, सब कन्फ्यूजन वाला होता है ना। तो इसीलिए सभी चीज़ों के क्या नाम रखे गए हैं, अलग अलग नाम रखे गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसको कहा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके नाम जो है वो क्या है, संज्ञा। जैसे हमने पढ़ा पंखा, घोड़ा, लड़का, पर्वत, नीतू, राहुल, आशीष, निशा, ये जो सारे नाम हैं ये क्या है, संज्ञा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपने क्या कहना है, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो नाम है वो क्या है, संज्ञा है। तो हम संज्ञा के डिटेल से चर्चा करेंगे, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मेन रूप से तो आपको तीन भेद पढ़ने को मिलेंगे, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कहीं कहीं आपको द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि मेन रूप से तो संज्ञा के कितने भेद होती हैं, तीन रूप होती हैं। इसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी होती है। अब इन संज्ञाओं को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, यानी संपूर्ण जाति, उस वस्तु की संपूर्ण जाति का पता चले, वहाँ क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि मेरे कमरे में पंखा लगा हुआ है, मेरे कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, तो आप किसकी बात कर रहे हो, एक पंखे की बात कर रहे हो। तो उससे पंखा शब्द बोला तो पंखा तो कोई सा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, तो वो क्या होगी, एक जाति का बोध करवा रहा है, पंखा जो शब्द है वो जाति का बोध करवा रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कहा कि मेरे घर का जो बाहर वाला कमरा है उसमें भी पंखा लगा हुआ है, तो वो भी पंखा। और मान लीजिए आपने कहा कि मेरे रसोई घर में भी पंखा लगा हुआ है, बरामदे में भी पंखा लगा हुआ है, और मेरे जो पड़ोस में हैं उनके भी क्या है, पंखा लगा हुआ है। तो यहाँ क्या है, सारे पंखे हैं, यानी पंखों की बात हो रही है, यहाँ सब पंखे, सब जगह पंखे ही पंखे हैं। तो यानी ये जो पंखा जो शब्द है ये संपूर्ण जाति का, पंखा जाति का बोध करवा रहा है, यानी संसार में जितने भी पंखे हैं उनका हमें ज्ञान करवा रहा है ना। तो पंखा शब्द पढ़ते ही हमें पता चल गया ना कि किसकी बात कर रही हैं, पंखे की बात कर रही हैं। तो पंखा जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है ना, संपूर्ण जाति का। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दरवाज़ा, एक दरवाज़ा, फिर उसके बाद दूसरा दरवाज़ा, फिर उसके बाद तीसरा दरवाज़ा, यानी तीन दरवाजे, अलग अलग दरवाजे हैं, है तो दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा, ये दरवाज़ों के अलग अलग प्रकार है, लेकिन बोला तो उसे क्या जा रहा है, दरवाज़ा ही बोला जा रहा है ना। इसी तरह जैसे साइकिल, कूलर, पतंग, घड़ा, लड़का, तो ये भी सारे क्या है, चीज़ों के नाम हैं, जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, आम, अंगूर, सेब, केला, ये भी क्या है, सारे जानवरों के नाम या फलों के नाम। तो ये सब क्या है, अपनी जो उनकी एक जाति है उसका हमें बोध करवा रही है, यानी संपूर्ण जाति की बात हो रही है। आई बात समझ में, तो यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं जो संपूर्ण जाति का बोध करवाई, यानी संपूर्ण जाति का, जैसे शेर, तो शेर तो कोई सा भी हो सकता है ना। जैसे इसी तरीके से मान लीजिए सेब की बात करें कि सेब, तो सभी का नाम क्या है,
सेब है, यानी जहाँ सभी का नाम सेम होता है वो क्या होते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। अब ये आप ऐसे कह दो कि सुनील, आप तो ऐसे बोल सकते हो कि मैम आपने तो पहले सुनील बताया था, तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ, तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है। तो ये जो जितने भी सेब है वो सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आई बात समझ में, यानी कि जितने उसके बाद अगर हम, ये तो होती है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाएं, यानी व्यक्ति विशेष की जानकारी मिले, वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए एक ये बच्चा है, बच्चा जो शब्द है किसका उदाहरण हुआ, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। बच्चा किसका है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन इस बच्चे का नाम रख दिया जाए, तो इस बच्चे का अगर कोई नाम रख दिया जाए तो बच्चा शब्द जातिवाचक हुआ, लेकिन इसका जब हम नाम रखें, मान लीजिए हमने लिखा रख दिया दीपक, नाम रखा इसका दीपक, तो दीपक जो शब्द है वो किसका उदाहरण हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे कि एक पर्वत है, पर्वत अगर हमने ऐसे बोला पर्वत, तो पर्वत क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। लेकिन जैसे ही इस पर्वत का नाम रखा हिमालय, मान लीजिए हमने रखा हिमालय पर्वत, तो हिमालय रखा, हिमालय रखते ही वो पर्वत किस में चेंज हो गया, जो पर्वत शब्द था व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। इसी तरह जैसे नदियों के नाम कृष्णा, यमुना, गंगा, गोदावरी, देश देश के नाम भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, शहर के नाम जयपुर, उदयपुर, फरीदाबाद, रांची, पर्वत के नाम हिमालय, रावली, विंध्याचल, नीलगिरी, इंसान के नाम संगीता, तरुण, मेघा, आशीष, ये जो सारे नाम हैं इंसानों के जो नाम है, पर्वतों के नाम है, शहर के नाम है, देश के नाम है, नदियों के नाम है, ये सब किस में काउंट होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब अगर मान लीजिए हमने लिखा कुत्ता, कुत्ता शब्द लिखा, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। क्योंकि तो यहाँ जो कुत्ता शब्द है वो किसी भी कुत्ते के लिए बोला जा सकता है, लेकिन जैसे ही हमने इस कुत्ते का नाम टोमी या मोती रख दिया, तो वो किसका उदाहरण हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वो हमने एक नाम रख दिया है कुत्ते का, टोमी या मोती, तो वो क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ, क्योंकि नाम रखा तो क्या हो गया, उसका नाम रख दिया, मेरा कुत्ता टोमी, मेरा कुत्ता मोती, तो ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर हम बात करें कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको, भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमने लिखा बुढ़ापा, बूढ़े आदमी को हम देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर का बुढ़ापा नहीं देख सकते। जैसे हमने लिखा मिठास, मिठास में हम टॉफी को देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर की मिठास नहीं देख सकते। जैसे हमने लिखा बचपन, तो बचपन में हम बच्चे को, बच्चे का बचपन वैसे देख सकते हैं लेकिन उसके भाव को नहीं समझ सकते, उसके बचपन को हम अंदर से नहीं दे सकते। तो जो भाव होते हैं वो ही क्या होती है, हमारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आई बात समझ में, कि जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, ये जो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको हम बाहर से देख नहीं सकते, वो हमारे किसके उदाहरण होती हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। बुढ़ापा, मिठास, बचपन, बुढ़ापा हम बूढ़े आदमी को देख लिया लेकिन उसके अंदर का बुढ़ापा नहीं देख सकते, ये सारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि जैसे हमने बच्चे को देख लिया, ऐसे समझा कि ये बच्चा है लेकिन उसका बचपन, अंदर का जो बचपन है वो हम नहीं देख सकते कि उसमें कितना बचपना है, है ना। उसी तरीके से बूढ़े आदमी के बुढ़ापे को नहीं देख सकते कि उसके अंदर कितना बुढ़ापा है, उसको माप नहीं सकते, माप तोल नहीं सकते। और मिठास, जैसे टॉफी के अंदर कितनी मिठास है उसको हम फील तो कर सकते हैं लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम बाहर देख सकते हैं, ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो किस में आ जाती है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे इसी तरीके से जैसे ममता, माँ का प्यार हो गया, क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, घृणा हो गया, यानी क्रोध करना, तो क्रोध को हम वैसे देख सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं कि उसको क्रोध आया है लेकिन उसको देख नहीं सकते ना कि कितना क्रोध आया उसको। इसी तरह अहंकार, अहंकार को हम
फील कर सकती हैं कि उसके अंदर अहंकार है, पर अपने देख सकती हैं कि कितना अहंकार है। जैसे मान लीजिए हमने जातिवाचक संज्ञा में किसी चीज़ को देख लिया, पंखे की बात की तो हमने पंखा शब्द देखते ही हमें पता चल गया कि कितना पंखा है, कौन सा पंखा है, यानी पंखे की बात हो रही है। ये सारे जो शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, जो आंतरिक होते हैं, जो अंदर के भावों के बारे में हमें पता चल कर महसूस करवाता है, वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब अगर आप कह दो कि आंतरिक तो हमारी किडनी भी होती है, फेफड़े भी होते हैं, हाँ होते हैं, हमारी किडनी और फेफड़े हमारे आंतरिक भाग हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन इनको हम भाववाचक संज्ञा में नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे बॉडी के एक पार्ट है जो हमारे शरीर के अंदर है। तो किडनी और फेफड़े ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किसके, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, इनको हम भाववाचक संज्ञा में नहीं ले सकते। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे शरीर के अंदर के जो भाग है, जिनको पार्ट को देखा नहीं जा सकता और फील किया जा सकता है, तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब अगर हम बात करें कि द्रव्यवाचक संज्ञा और सुमेयवाचक संज्ञा की, तो द्रव्यवाचक संज्ञा और सुमेयवाचक संज्ञा को नाम पढ़ते ही हमें समझ में आ गया, नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जैसे कि लोहा, चांदी, घी, सोना, तेल, ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये द्रव्य के रूप में होती है ना, द्रव्य के रूप में होती है। जैसे पानी, ये चीज़ें किस में होती हैं, द्रव्य के रूप में होती हैं, यानी एक लिक्विड के रूप में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होती हैं। इसी तरीके से जैसे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक कौन सी होती है, जो समूह में हो, जैसे कि सेना, सभा, परिवार, कक्षा, गुच्छा, तो ये जो चीज़ें होती हैं एक समूह के अंदर होती है, तो वो क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होती हैं, यानी जो पूरे एक समूह के अंदर होती है। जैसे मान लीजिए हमने बात की कक्षा की, तो हमारी जो पूरी कक्षा है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। या हम ये कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा में इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी जो संज्ञाएं, जो शब्द बहुवचन में हो वो क्या होंगे, हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। आई बात समझ में। और जैसे कि परिवार, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा होगी। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सारे बच्चों से मिलकर क्या बनता है, एक समूह बनता है, तो वो क्या कहलाता है, वो भी हमारा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। जैसे सभा, सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो बहुवचन जो रूप होता है ना, तो बहुवचन रूप होता है वो हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, तो जैसे कि उसमें समूह की बात हो रही है। अब ऐसे हम इस, वैसे तो ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, आप देख लीजिए, यानी कि जाति की, पूरी जाति का बोध करवा रही हैं। जैसे सेना, सेना पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है वो ये दोनों भेद जो है जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही इनको काउंट किया जाता है। तो इसलिए कहीं के कुछ पुस्तकों में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को अलग अलग रूप में नहीं जाना जाता, इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसकी पहचान हो जाती है। तो आपने, तो हमारे हिंदी में तीन संज्ञा के भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है उनको हम जातिवाचक संज्ञा में काउंट कर सकती हैं, है ना। और इसके साथ साथ अब आगे जैसे मान लीजिए संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तो अब आपने बताना है कि जो घड़ी शब्द है, घड़ी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये आपके लिए एक प्रश्न है। तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, कई बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, और जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो जाती है। इसी तरह भाववाचक संज्ञा कई बार जातिवाचक संज्ञा में काउंट की जा सकती है, तो उसको हम अच्छे से, इसको हम अच्छे से डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदल जाती है, तो उसको भी हम एक
उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बन जाती है। जैसे हमने लिखा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, अब जो गांधी शब्द है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, है ना, सरनेम है, गांधी जो है सरनेम है, है ना, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सरनेम होते हुए भी ये हमारा किसका उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गांधी शब्द जो है किसका, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होते हुए भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे कि गांधी तो प्रियंका गांधी भी हो सकती है, सोनिया गांधी भी हो सकती है ना, प्रियंका गांधी के लिए भी कहा जाता है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस तरीके से, यानी गांधी जाति का, पूरी जाति का बोध करवा रहा है ये शब्द। लेकिन फिर भी ये हमारा गांधी जो शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ गांधी से तात्पर्य है महात्मा गांधी के लिए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, जैसे ही हमने शब्द पढ़ा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है तो हमें समझ में आ गया ना कि किसकी बात कर रही हैं, एक व्यक्ति विशेष की बात कर रही हैं, जो महात्मा गांधी की बात हो रही है। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा किस में परिवर्तित हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गई। इस तरीके से ये बदलाव होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि ये गांधी जो शब्द है किसका बोध करवा रहा है, जाति का बोध करवा रहा है, फिर भी क्या किस में बदल गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। इसी तरीके से एक शब्द, एक वाक्य और देखते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में बदलती है। नेहरू जी राजनीतिक थे, अब नेहरू जी राजनीतिक थे तो नेहरू जो है, नेहरू जो शब्द है क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन ये किस में बदल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल रहा है, क्योंकि नेहरू एक पूरी जाति का बोध, नेहरू जो शब्द है पूरी जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन पूरी जाति का बोध तो करवा रहा है, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, नेहरू शब्द, नेहरू जी राजनीतिक थे, यानी जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदल जाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन वो किस में बदल जाएगी, जातिवाचक में बदल जाएगी। जैसे हमने उदाहरण के रूप में देखा, आसपास रावणों की कमी नहीं है, अब जो रावण शब्द है ना, तो ये रावण शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। रावण की बात की तो हमें किसके याद आ गए, रावण की, जिसका वध भगवान राम ने किया था, उस रावण की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ उस रावण की बात, रावणों की भी मतलब उसके जो, उसका जो नेचर था ना, उससे रिलेटेड ये बात हो रही है कि आसपास रावणों की कमी नहीं है। तो रावण जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किसका, जाति का, पूरी जाति, रावणों की कमी नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होते हुए भी ये किसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्योंकि किसकी, किसका बोध करवा रहा है, ये है तो वैसे रावण, रावण की बात कर रहा है, लेकिन उसके जो नेचर है, उसका नेचर है, उसके बारे में हमें ये बता रहा है। या हम कह सकते हैं जहाँ भी आपको बहुवचन में कोई शब्द दिखे तो वो हमारा किस में काउंट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अब जैसे बुराइयों का, बुराइयों को त्याग दो, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में भी बदला जा सकता है। भाववाचक संज्ञा कई बार जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे हमने शब्द लिखा बुराइयों को त्याग दो, अब बुराइयों, बुराइयों शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, बुराई भाववाचक संज्ञा है, बुराई जो शब्द है वो क्या हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गई, बुराइयों, यानी बहुवचन में रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे ही कोई शब्द बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो हमारा किसका उदाहरण हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। इसी तरीके से जैसे मनुष्य मनुष्यताओं से विहीन है, मनुष्य मनुष्यताओं से विहीन है, अब मनुष्यता शब्द यहाँ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन मनुष्यताओं, मनुष्यताओं शब्द किसका है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, क्योंकि मनुष्यता तो क्या है, एक भाव है, लेकिन मनुष्यताओं यानी किसकी बात हो रही है, पूरी जाति की, मनुष्य की पूरी जाति की, जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए इसका किसका उदाहरण हो गया, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट जैसे कड़वाहट, तो इसको बारे में आपने बताना है कि कड़वाहट जो शब्द है कौन से संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।